सरोजनी नगर शॉपिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आज मॉल में शॉपिंग करने, क्योंकि अनंत्या की कुछ कुछ ड्रेसेस अभी भी पेंडिंग है और शाम का टाइम मिला है क्योंकि स्कूल रीओपन हो गए हैं और अनंत्या की जाने की जो तैयारी हो रही है उसके लिए धीरे धीरे हम शॉपिंग कर रहे हैं। अनंत्या, आपको क्या क्या लेना है बेटा? ये सब इतनी वार्ड्रोब में कपड़े होने के बाद भी हमारे पास क्या है? कपड़े क्या क्या ले? पापा तो बहुत गुस्सा हो जाता है अगर मम्मा और मैं कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, जो वापस नहीं है ना मम्मा। यहाँ पे मैंने अनंतिया को इवनिंग में दिए थे मखाने, आपने जो पूरे ढंग से खाए नहीं है। हाँ, ये मेरा मन नहीं है। एंड ये है मिल्क, सो जस्ट फिनिश योर मिल्क एंड देन वी गो। मैंने अभी रिसेंटली शूट में डिस्कवर की और ये मेरी न्यू फेवरेट हेयर स्टाइल हो रखी है। वैसे तो मेरे को लाइक दो छोटी या पिगटेल्स बना के बोज लगाने में अच्छा लगता है या बो करने में, बट मेरे बाल बहुत छोटा है और उसमें वो नहीं हो रहा, तो फिर मैं ये कर रही हूँ। और उसमें मेरे बैग्स भी पीछे रहते हैं तो ठीक रहती है। जब शॉपिंग जा रहे हैं तो फाइनेंसर के पास आना ज़रूरी है। ये लो कार्ड जो तुमने इधर छोड़ दिया था। और फाइनेंसर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है पूछो। कि आप ड्रेसिंग रूम में जाएं और शीशे के आगे अपना चेहरा देखें और अपने चेहरे से पूछें, क्या मैं लायक हूं इसके? तुम्हारी बेटी की शॉपिंग होनी है, ये ब्लैकमेल किया जा रहा है मुझे। बेटी की शॉपिंग है, मैंने कुछ नहीं खरीदना। मैंने अभी अच्छा, कुछ खरीदा था एंड आई विल नॉट शॉप फॉर अनदर 2 मंथ्स। ये मेरी अपने आप से कमिटमेंट है। पैसे दो, कैश वो मेरा वो निकाल के लाओ। या काइंड। पी गया मैंने। यहाँ पे और ये मखाने, ये किचन में रख के आओ, जाओ एक बॉक्स में रखवा ले। मम्मा ने अभी अभी रियलाइज किया कि हम लोग कभी ऐसे अकेले मॉल नहीं गए हैं। हमारे साथ हमेशा कोई जाता है, पापा मासी, और हम लोग फिर भी बहुत लड़ते हैं। हमेशा ही हम एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। मैं तो नहीं चिढ़ती, आप ही चिढ़ती हो, आप ही एचएनएम के बाहर जाके बैठ गई थी उस दिन। मेरे को उस दिन पेन हो रहा था इसीलिए काम। हाँ बट बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ बट लेट्स जस्ट होप कि आज हम दोनों अकेले जब जा रहे हैं तो प्यार से शॉपिंग करें। पीस ट्रीटी साइन की है। यस, सो हमने एंटर कर लिया अपने फेवरेट मॉल में, जो अनंतिया का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट मॉल है। नो पॉइंट फॉर गेसिंग, जो नोएडा में रहता है उसको पता ही होगा कि DLF मॉल ऑफ इंडिया में हम लोग अक्सर आते हैं शॉपिंग करने। एंड हम सिर्फ दो स्टोर्स ढूंढेंगे और वारा और H&M। यहाँ है ये रही, बट बहुत पुरानी सी लग रही है ना। डार्क वॉश, आई वांट लाइट वॉश। चलो तो ज़ारा पे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, सब ब्लैक वाइट या क्रीम कलर का है, कुछ अच्छा लाइक समरी कपड़े नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं चेन्नई। मेरे को एक ऐसी बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट आ गए हैं हम H&M में, जहाँ पे हंट चल रही है डेनिम स्कर्ट की। डेनिम शॉर्ट्स काफी सारे मिल रहे हैं बट डेनिम स्कर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और फाइनली मुझे ये डेनिम स्कर्ट्स मिल गई हैं। ये शॉर्ट्स हैं, ये स्कर्ट्स, ये पता चलेगा। लेट्स सी, मैं अनंत्या को बुला के दिखाती हूँ अभी। दे कॉस्ट क्वाइट मच, 2000 की हैं। लेट्स सी। नाउ हम लोगों ने फाइनली शॉपिंग कर लिया, हम वापस आ गए हैं पार्किंग में। हम लोगों ने वैसे इतना बड़ा बैग पता नहीं क्यों दे दिया, दो चीज़ें ली हैं मम्मा ने, एक किया और मैंने एक किया। ज्यादा कुछ लिया नहीं है हमने, हमें कुछ मिला भी नहीं। हाँ। और मेरे को ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी बट उसमें मेरा साइज नहीं था, तो मैं शायद उसे ऑनलाइन देख लूं। हाँ। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। Later that same evening. तो कल रात को शॉपिंग करने के बाद आज अनंत्या का स्पा सेशन चल रहा है घर पे ही, इकोनॉमिकल। अनंत्या के जो नेल्स है ना वो अच्छे नहीं है, थोड़े अंदर को गए हुए है ना। तो ये मेरा जो स्पा है वो बहुत ही अच्छा है, हम इसे मंथली या कभी कभी ओकेजन्स पे यूज़ कर लेते हैं। और अनंत्या के नेल्स मैंने साफ कर दिए हैं,
जो कि बहुत ही गंदे हो रहे थे, आप डिप कर सकती हो। नेक्स्ट दिखाओ, दूसरा पाँव दिखाओ। यार एक्चुअली मैंने तो इतना देखा नहीं था कि इसके नेल्स इतने गंदे गंदे हैं, बट अंकुर ने मुझे बोला कि तुमने इसके नेल्स देखे, जरा आज बैठ के इसको स्पा करा दो, तो मैं करा रही हूँ। सो क्रेडिट जाता है अंकुर आनंद को फॉर दिस। मैं अपने हाथों के नेल्स के लिए तो बहुत केयर करती हूँ, बट पाँव के मैं इतना नहीं करती हूँ। The next day. इसकी तो बहुत बड़ी क्रेटा है, ये तो पैसे वालों का लौंडा है ना। भाभी ने सच बनाना शुरू कर दिया यार। A few moments later. तो हम आ गए हैं चांदनी चौक शॉपिंग करने, लहंगों की, शादी पे जाना है तो लहंगे की शॉपिंग करनी है। अनंतिया इसीलिए नहीं आई है क्योंकि वो घर पे है और चांदनी चौक में काफ़ी थोड़ा टायरिंग हो जाता है, तो मैं अनुराधा के साथ आई हूँ लहंगा उठाने और शॉपिंग करने। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ यूट्यूबर मिस निशा आई हैं हमारे यहाँ ड्रेस लेने। और आपका कौन सा इंस्टा पेज है भैया के यहाँ से ही लेना ड्रेस, क्योंकि मैंने भी यहीं से पसंद की है। हमारा जगदीश साड़ीज 4268 हमारा इंस्टा पेज है, आप एक बार फॉलो करके देखें। और चांदनी चौक में आपकी कहाँ है दुकान? हमारी शॉप जोगीवाड़ा गली भैरो वाली में है। तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दे दूंगी और आप भैया की दुकान में जरूर आना, यहाँ पे अच्छी वैरायटी है। डन, ठीक है अन्नू। और ये भैया पैकिंग कर रहे हैं हमारे लहंगे की। हेलो कर दो भैया, शर्मा रहे हैं। घूमते घूमते भूख लग गई सदर ना। ये बताओ हम कहाँ आ गए बेबी? ये उस कपड़े वाली गली में आ गए। What happened? Yeah, thank you. मैं warm water पी लूँ। If you want something else, no, that's okay. Thank you. Hello, तो करवा दे हमारी आंटी से। Sophia. Properly. Yeah, she's great. Okay. And where is your mom? It's like downstairs. Okay. Okay. Anantya, इसका होम टूर तो दिखा दे हमें। मैं आपको कल दिखा दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। Tomorrow I can send a video for our house too. Okay. Thank you.